नाबालिग पहलवान के पिता बोले, हमें धमकी नहीं मिली। साक्षी मलिक अपना बयान स्पष्ट करे, हमें जो करना था हमने कर दिया है। कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ से पार। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए कमाते हैं 8.9 करोड़ रुपए। बीसीसीआई सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर देती है 7 करोड़ रुपए। भारतीय फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता। फाइनल मुकाबले में लेबनाना को हराया। सुनील छेत्री और चांगते ने दागे गोल। भारतीय फुटबॉल टीम ने दिखाया बड़ा दिल। बालासोर ट्रेन हादसे में पीड़ितों को देंगे 20 लाख रुपए। रणजी सीजन अगले साल 5 जनवरी से 70 दिन चलेगी। घरेलू खिताब की जंग पिछले सीजन की सेमीफाइनलिस्ट कर्नाटक और तमिलनाडु एक ही ग्रुप में। द एशेज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहले मैच का तीसरा दिन ऑस्ट्रेलिया ने 386 रन पर ऑल आउट। बारिश के कारण मैच रुका। दूसरी पारी में इंग्लैंड का स्कोर 28-2। भाड़ में जाए टीम इंडिया। जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान को दी भारत ना जाने की सलाह। टीम इंडिया में 13 महीने बाद ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे एंट्री। पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं करेगा बीसीसीआई। टी वेन्यू बदलना चाहता है पाकिस्तान। बीसीसीआई शेड्यूल बदलने को नहीं तैयार। अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने से डरा पाकिस्तान। वर्ल्ड कप की तैयारियों में पीसीबी ने फंसाया पैच। अजिंक्य रहाणे ने अचानक दिया फैंस को बड़ा झटका। इंग्लिश काउंटी टीम लेसिस्टर नेशन की ओर से खेलेंगे। विंडीज दौरे के बाद जाएंगे इंग्लैंड। सर्जरी के बावजूद मोटो जीपी रेसर मार्क की वापसी। समय से पहले संन्यास के बारे में सोच रहे थे। हर छोटी सफलता पर मनाते हैं जश्न। यूईएफए नेशंस लीग थर्ड प्लेस मैच में इटली ने नीदरलैंड को 2-3 से हराया। दीमार को फ्राटेजी और चिएसा ने दागे गोल। महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स के बाद अब गाली गलौज पर उतरे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन। राशिद की सलाह पर स्पॉट बॉलिंग कर रहे रवि बिश्नोई बोले, सिलेक्शन का नहीं सोचता। युवाओं को सलाह, कॉम्पिटिशन खुद से रहे।